Hello everyone, this is me Soumya and you all are on my channel Soumya's Life. So guys, आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेरा नायका हॉल. तो कुछ प्रोडक्ट हैं जो मैंने नायका से ऑर्डर किए थे, वो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी. एंड जो भी प्रोडक्ट मैं आप लोग के साथ आज शेयर करूँ, उन सब की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो. तो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ अपना नायका हॉल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जो फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया है वो है ये मेबलिन न्यूयॉर्क का फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर. एंड इसमें मेरा शेड है 110 पोर क्लीन पाउडर. इसमें लिखा हुआ है मैट प्लस पोरलेस नॉर्मल टू ऑयली स्किन. सो गाइज, ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है. एंड गाइज, आज तक जितने भी मैंने मेबलिन न्यूयॉर्क के प्रोडक्ट यूज किए हैं वो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट होते हैं सारे के सारे उसके. एंड इसके जो प्राइस वगैरह हैं वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लेना. एंड जैसे कि मैं आपको दिखा दूं किस तरह से है ये. एंड ये काफी छोटू सा है एंड ट्रेवल फ्रेंडली है, आप लोग आराम से कैरी कर सकते हो इसको. एंड अपने बैग में, आपके बैग में भी आराम से आ जाएगा. तो इस तरह से ये है. एंड इसके जो अंदर है छोटू सा मिरर दिया हुआ है इस तरह का. एंड ये स्पॉन्ज दिया हुआ है जिसे आप अप्लाई कर सकते हो. तो ये है मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट एंड काफी अच्छा है. मैंने यूज भी किया हुआ है पहले, तो काफी अच्छा कॉम्पैक्ट है. अगर आप लोग अच्छे ब्रांड का कोई कॉम्पैक्ट सर्च कर रहे हो तो आप लोग जरूर चेकआउट कर सकते हो उसको. एंड जो सेकंड प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया है वो है ये मेबलिन न्यूयॉर्क का द 20K न्यूड आई शेडो पैलेट. एंड ये काफी अच्छी पैलेट है, मुझे काफी अच्छी लगी. एंड डिस्काउंट भी मिल गया था मुझे थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने ऑर्डर की थी ये. तो आप लोग देख सकते हो इसमें 12 शेड हैं एंड काफी अच्छी पैलेट है एंड काफी पिगमेंटेड है. तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार किस तरह से इसके कलर्स हैं. तो जैसे कि आप देख सकते हो एंड मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए. काफी अच्छे कलर्स हैं इसके एंड काफी पिगमेंटेड भी हैं. सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो काफी पिगमेंटेड हैं ये कलर्स एंड काफी अच्छी पैलेट है ये, मुझे काफी पसंद आई. तो सेकंड ये मैंने ऑर्डर की थी एंड इसका प्राइस है गाइस 900 रुपीज. एंड नायका पे जैसे कि मुझे ऑफ में मिली थी तो मुझे 600 समथिंग की मिल गई थी ये. एंड गाइज, नायका पे ऑफर चलते रहते हैं तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो. ये आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये पैलेट मिल सकती है. तो ये काफी अच्छी पैलेट है. अगर आप लोग चाहते हो एक अच्छी आई शेडो पैलेट लेना तो आप लोग जरूर इसको ट्राई कर सकते हो. एंड गाइज, मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ ये पैलेट, काफी अच्छी पैलेट है एंड मुझे भी काफी पसंद आई. जैसे कि आप लोग देख सकते हो काफी अच्छे कलर्स भी हैं इसमें, न्यूड कलर है. तो जैसे कि आजकल ट्रेंड भी है न्यूड कलर्स का, तो काफी अच्छी पैलेट है ये. एंड गाइज, जो थर्ड प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया है वो है ये मेबलिन फिट मी फाउंडेशन एंड मैट प्लस पोरलेस नॉर्मल टू ऑयली स्किन. इसमें मेरा शेड है 128 वार्म न्यूड. एंड गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने जितने भी फाउंडेशन अभी तक यूज किए हैं मुझे सबसे अच्छा ये फाउंडेशन लगा. बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि बहुत ही अफोर्डेबल है, आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा ये. तो मैं आपको एक बार दिखा दे रही हूँ. तो इस तरह की ये पैकेजिंग में आता है, इस तरह का पंप दिया हुआ है इसमें, तो आपकी कोई भी वेस्टेज भी नहीं होगी. तो आप इसको इस तरह से जैसे मैंने निकाला है, तो आप इस तरह से इसको मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार. एंड बहुत ही इजिली ब्लेंड भी हो जाता है गाइज, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है. एंड आपकी स्किन में बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि हमने कुछ अलग से ऊपर से कुछ ज्यादा कुछ लगाया हुआ है, भी बहुत ही लाइट फाउंडेशन है. सी, सी गाइज, काफी अच्छा फाउंडेशन है, आप लोग जरूर ट्राई कर सकते हो. अगर आप लोग अच्छा कोई फाउंडेशन सर्च कर रहे हो तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी कि आप लोग इसको ट्राई करो, क्योंकि ये मुझे काफी अच्छा लगा. एंड गाइज, मैं आपको वही चीज रिकमेंड करूंगी जो सच में अच्छी होगी. तो ये मुझे काफी अच्छा फाउंडेशन लगा एंड आप लोग खुद ट्राई करके देख सकते हो कि किस तरह से है, ये काफी अच्छा फाउंडेशन है.
एंड गाइस जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया है वो है ये मेबेलिन न्यूयॉर्क का कंसीलर। इसमें मेरा शेड है 25 मीडियम एंड ये भी काफी अच्छा कंसीलर है गाइस, काफी अच्छी कवरेज देता है एंड इस तरह से होता है। आप एंड गाइज अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं, अगर आपके कोई भी डार्क स्पॉट्स हैं फेस पे तो आप लोग जरूर इसको यूज कर सकते हैं। एंड गाइज काफी अच्छा एंड अफोर्डेबल कंसीलर है एंड अच्छे ब्रांड का है तो एंड अगर आप लोग कोई अच्छा कंसीलर सर्च कर रहे हो तो आप लोग जरूर इसको यूज कर सकते हो। एंड गाइज जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया है वो है ये मेबेलिन का ही हाइपर कर्ल मस्कारा एंड ये अभी न्यू पैकेजिंग आई है मेबेलिन की, काफी अच्छा है एंड मेबेलिन के सारे मस्कारा जितने भी मैंने यूज किए सबके सब बहुत अच्छे हैं एंड ये अभी नई पैकेजिंग में आया है तो ये काफी क्यूट सी पैकेजिंग है इसकी। एंड ये एलाइस प्लस ओलिविया मेबेलिन न्यूयॉर्क हाइपर कर्ल वॉटर प्रूफ मस्कारा। एंड गाइज मैं आपको इसकी पैकेजिंग दिखाती हूँ, काफी क्यूट सी है इस तरह की एंड इसके साथ मुझे एक चीज और मिली है, मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह की ये। अब इसको मैं आपको इस पे लगा के दिखाती हूँ किस तरह से लगता है, ये इस तरह का है कितना क्यूट लग रही है ना एंड काफी क्यूट सी है एंड इसका जो ब्रश है इस तरह से आप ऊपर की तरफ करके लगा सकते हैं, काफी अच्छा मस्कारा है। मेबेलिन के सारे मस्कारा बहुत अच्छे हैं तो आप लोग जरूर इसको यूज कर सकते हो एंड काफी क्यूट भी लग रहा है मुझे। एंड गाइस नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया है वो है ये नायका की मॉर्टन मैट लिप एंड चीक कलर लिपस्टिक एंड इसमें मेरा शेड है ब्लेयर 03 एंड मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह की पैकेजिंग है, काफी अच्छा कलर है इसका, आपको दिखाती हूँ उन पर सी गाइस इस तरह की ये इस कलर में है एंड काफी अच्छी लगी मुझे ये लिपस्टिक तो मैंने ये ऑर्डर की थी। एंड मैंने एक और लिपस्टिक ऑर्डर की है वो है ये वही सेम नायका की मॉर्टन मैट लिप एंड चिक कलर लिपस्टिक एंड इसमें मेरा शेड है रिचेल 01 एंड ये भी न्यूड कलर है एंड इस तरह की ये पैकेजिंग है एंड इसका जो अंदर है ये इस तरह से है एंड इसका जो कलर है वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो गाइज इस तरह की ये लिपस्टिक है, तो ये दो लिपस्टिक मैंने ऑर्डर की थी, काफी अच्छे कलर्स मुझे लगे। तो एंड गाइज जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया है वो है ये नायका का ब्यूटी ब्लेंडर, काफी अच्छा क्वालिटी का ब्यूटी ब्लेंडर है एंड काफी इजी ब्लेंड भी हो जाता है इससे। तो इस तरह की ये पैकेजिंग में है एंड छोटू सा है, काफी क्यूट सा है एंड काफी सॉफ्ट भी है देखिए। एंड आपका जो फाउंडेशन वगैरह है काफी इजिली ब्लेंड हो जाएगा इससे इस तरह से एंड आप ब्यूटी ब्लेंडर अच्छा ही यूज कीजिए क्योंकि जिससे कि आपका जो भी फाउंडेशन एंड कंसीलर है वो इजिली ब्लेंड हो जाए। तो ये काफी अच्छा है ब्यूटी ब्लेंडर, काफी सॉफ्ट भी है एंड गाइज नायका का है तो अच्छे ब्रांड का है तो आई थिंक अच्छा ही होगा क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम नायका का ये ब्यूटी ब्लेंडर मंगाया है। तो मैं आपको यूज करके जरूर बताऊंगी ये कैसा है, बट क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है, सॉफ्ट भी है एंड काफी छोटू सा भी है तो आराम से आपके बैग में भी, ट्रेवल फ्रेंडली है, आपके आराम से बैग में भी आ जाएगा, कोई ज्यादा स्पेस भी नहीं लेगा। सो गाइज जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया है वो है ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड ग्लिटर आई शेडो एंड गाइज ये काफी अच्छा आई शेडो है एंड ग्लिटर अगर आपको यूज करने है तो हम लोग इसे ग्लू लगा के जो ग्लिटर यूज करते हैं, तो अगर आप लिक्विड ग्लिटर यूज करते हो तो आपको कोई भी ग्लू लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें काफी शेड्स आते हैं, मैंने इसमें दो शेड्स मंगवाए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ एंड इस तरह से ही होता है एंड इस तरह से आपको मिलेगा एंड देखिए
सी जस्ट सी गाइस। एंड आप इससे अलग अलग आई लुक क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही सुंदर कलर है। एंड मैंने दो मंगवाए हैं, एक ये कलर है एंड मैंने जो दूसरा कलर मंगवाया है वो है ये वाला। एंड ये भी मैं आपको कलर दिखा देती हूँ, काफी अच्छा कलर है ये भी। अगर आप कोई भी ब्लैक स्मोकी आईज वगैरह क्रिएट करते हो तो आप लोग इसका यूज कर सकते हो काफी इजीली, तो आपका काफी अच्छा लुक क्रिएट हो सकता है इससे। एंड आपको कोई भी ग्लू एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत सुंदर है ये। एंड इससे आप लोग डिफरेंट डिफरेंट आई लुक क्रिएट कर सकते हो। इसमें आई थिंक 6 कलर्स आते हैं स्विस ब्यूटी में, जो भी लिक्विड ग्लिटर आई शेडो है इसमें 6 कलर्स आते हैं। तो मैंने 2 कलर ऑर्डर किए थे। सो गाइज, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया है वो है ये वेगा का फुट फाइलर। एंड ये काफी अच्छा फाइलर है, मुझे काफी अच्छा लगा, इस तरह से पैकेजिंग में आता है। एंड मैं आपको एक बार खोल के भी दिखा देती हूँ। सो गाइज, इस तरह से है। एंड आपके अगर जो भी जैसे सर्दियों में काफी हमारी एड़ियां वगैरह फट जाती हैं, तो इसलिए आप उसका यूज कर सकते हो। एंड काफी इजीली आप लोग इससे अपनी जो डेड स्किन होती है अपने पैरों की वो निकाल सकते हो। एंड काफी अच्छा है, वेगा का है तो मुझे काफी अच्छा लगा। एंड अफोर्डेबल भी है तो इसलिए मैंने ऑर्डर किया था। एंड जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया है वो है ये वादी हर्बल्स की पेडिक्योर एंड मैनिक्योर किट। तो इसकी जो पैकेजिंग है वो इस तरह से आती है। एंड इसका जो अंदर की पैकेजिंग है वो भी मैं आपको शो कर देती हूँ। सो गाइज, इस तरह से इसकी पैकेजिंग है। एंड इसमें आपको क्यूटिकल ऑयल, स्क्रब, फुट मास्क एंड क्रीम एंड क्लीनर मिलता है। इसमें 5 प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। एंड गाइज, आई मस्ट टेल यू कि मैंने इतनी अफोर्डेबल मेडिक्योर एंड मैनिक्योर किट अपनी लाइफ में नहीं देखी है। आई थिंक इसका प्राइस जो है वो 220 समथिंग है, आई एम नॉट कन्फर्म। हाँ, इसका जो प्राइस है वो 255 है एंड मुझे डिस्काउंट पे मिला था तो मुझे ये 180 समथिंग की पड़ी थी। एंड गाइज, मुझे काफी अफोर्डेबल मिली थी तो इसलिए मैंने ऑर्डर की थी। एंड उस टाइम डिस्काउंट चल रहा था तो इसलिए मुझे 180 की मिल गई थी। वैसे इसका जो प्राइस है वो 255 रुपीज है, तो वैसे भी काफी अफोर्डेबल। एंड अगर आप लोग कोई अफोर्डेबल पेडिक्योर एंड मैनिक्योर किट सर्च कर रहे हो तो आप लोग जरूर इसे ट्राई कर सकते हो, यू मस्ट ट्राई इट। पेडिक्योर एंड मैनिक्योर स्पा किट है। एंड गाइज, जो मैंने पेडिक्योर एंड मैनिक्योर की जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने यही किट यूज की थी। बहुत ही अफोर्डेबल एंड बहुत ही अच्छी क्रीम है, आप लोग जरूर ट्राई कर सकते हो। एंड जो नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया था वो है ये मैनिक्योर सेट, इस तरह से। एंड मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से पैकेजिंग में है। एंड इस तरह से इसका ये अंदर की पैकेजिंग है। एंड ये है किट, ये मैनिक्योर सेट है। एंड ये मुझे पड़ा था 220 समथिंग का। एंड गाइज, मुझे प्राइस इसके कंफर्म नहीं है कितने का। वैसे इसका ये 250 की है, वैसे इसका प्राइस 250 है बट मुझे याद नहीं है मुझे डिस्काउंट में कितने का मिला था। बट गाइज, जो भी प्रोडक्ट मैंने आपके साथ आज शेयर किए हैं उन सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। एंड जो लास्ट प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया है वो है ये वेगा का मैनिक्योर टूल है। जैसे हमारे जो भी नेल्स वगैरह होते हैं उनको सेट करने के लिए जो फाइलर हम लोग यूज करते हैं, नेल फाइलर, तो ये उस तरह का है, इस तरह से। एंड ये इस तरह से फोल्ड भी हो जाता है एंड आप लोग आराम से इसको अपने बैग में कैरी कर सकते हो, छोटू सा है। एंड ये बंद भी हो जाता है, इस तरह से खुल भी जाता है, ये वेगा का है। सो गाइज, ये था मेरा छोटा सा नायका हॉल। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है एंड अगर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एंड जो भी मेरे चैनल पे नया है तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे एंड आप लोग मेरी कोई भी अपकमिंग वीडियो मिस ना करें। सो गाइज, नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।